ओके, गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंग्लिश. दिस इज लेक्चर नंबर 11 एंड टुडे इज May 17th, 2021. ओके, कंटिन्यूइंग विद आवर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट. स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, टर्न टू पेज नंबर 35, फर्स्ट लाइन, एंड फॉलो मी अटेंटिवली. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड. ओके, Everyone look at your books. Wait, the man said, as Rishi bent to pick it up. The man's right arm and the sleeve of the coat lengthened. Longer and longer it grew until the fingers reached the ground. The hand closed on the car and retreated upwards. There, he said. Okay, उस दिन के last line में हमने ये पढ़ा था कि वो खिलौने वाली गाड़ी ऋषि के हाथ से फिसल जाती है और उसके पैरों के पास गिरते हैं. ओके, अब आगे. जब ऋषि झुक के वो टॉय कार उठाने वाली होती है तो वो आदमी कहता है, रुक जाओ, ठीक है. फिर देखते ही देखते उस आदमी के कोट के दाहिने राइट बाजू अपने आप लंबे होने लगते हैं. उसके बाजू लंबे होते हुए ज़मीन तक पहुंच जाती है. फिर उस हाथों की मुट्ठी के अंदर कार को बंद करते हुए बाजू वापस ऊपर की तरफ आ जाते हैं. ओके, हियर द वर्ड रिट्रीटेड मीन्स मूव बैक फ्रॉम वेयर इट केम फ्रॉम. मतलब पहले जहाँ था वापस वहीं आ जाना, ठीक है. इंग्लिश में उसको हम कहते हैं रिट्रीट. फिर वो ऋषि को कार देते हुए कहता है, ये लो. ओके, अब आगे. हाउ डिड यू डू दैट, ऋषि आस्क्ड. आई हैव नेवर सीन अ ट्रिक लाइक दैट बिफोर. यू स्टिल थिंक आई एम प्लेइंग ट्रिक्स. गिव मी द कार फॉर अ मोमेंट, विल यू, he asked. Rishi handed it over. The man's arm extended again right up to the middle of the road. He put the car down. Now watch, the man said. Okay. ये देखकर ऋषि उसे पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया? मैंने आज से पहले इस तरह के ट्रिक यानी हाथ के सफाई करते हुए किसी को नहीं देखा. जवाब में उस आदमी कहते हैं, तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों की सफाई दिखा रहा हूँ. थोड़ी देर के लिए वो गाड़ी मुझे दो, ठीक है, वो आदमी ऋषि को कहते हैं. फिर ऋषि कार देते हैं और देखते ही देखते उस आदमी के आर्म्स यानी बाजू लंबे होते ही जाते हैं और सड़क के बीचों बीच पहुंच जाते हैं. वहां पे कार को सड़क पे रख देता है और ऋषि को अब देखने को कहते हैं, ठीक है. ओके, आगे. As Rishi watched, the silver grey toy made a sound of an engine starting up. Slowly it began to move forward. The car screeched as it went round a pebble. When it had travelled a few feet, it made a sharp about turn on two wheels and sped back towards Rishi. Okay. जब ऋषि देख रहे थे वो सिल्वर ग्रे खिलौने वाले गाड़ी से इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आते हैं. धीरे से वो टॉय कार आगे मूव करने लगते हैं. फिर वहाँ एक छोटे से पत्थर यानी पेबल के राउंड जाते हुए एक स्क्रीचिंग साउंड निकालते हैं, ठीक है. फिर कुछ फीट आगे जाने के बाद
वो टॉय कार अपने दो पहियों पर एकदम सा एक शार्प अबाउट टर्न लेते हुए ऋषि के तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे शार्प अबाउट टर्न मीन्स सडन चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा दिशा में यानी उल्टा डायरेक्शन में जाना, ठीक है, उसको कहते हैं शार्प अबाउट टर्न। ठीक है, ओके, अब आगे पढ़ते हैं। यू आर अ वेरी गुड वेंट्रिकोलोकिस्ट, ऋषि सेड एडमायरिंगली एज ही पिक्ड अप द कार एंड पुट इट इनटू हिज बैग। दोज कार नॉइजेस रियली साउंडेड लाइक दे वर कमिंग फ्रॉम द कार। ये देखकर ऋषि उसके तारीफ करते हुए कहते हैं, आप एक बहुत बढ़िया वेंट्रिकोलोकिस्ट हो। वो कार उठाते हैं और उस कार को अपने बैग में डालते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं, वो इंजन के आवाज़ सच में ऐसा लग रहे थे कि जैसे कि सच में वो कार से ही निकल रहे हो। ठीक है, हियर द वर्ड वेंट्रिकोलोकिस्ट मीन्स एक कला दिखाने वाले शख्स जो अपने आवाज़ इस तरह निकालने की हुनर होता है जैसे कि लोगों को लगता है कि वो आवाज़ कहीं और जगह से आ रहे हो। ऐसे परफॉर्मर को हम वेंट्रिकोलोकिस्ट कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो नो रिटन होमवर्क टुडे, एज अ रीडिंग प्रैक्टिस जस्ट रीड सेशन 2 पार्ट 2-3 टाइम्स। फिर टिल देन गुड बाय टू यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे सेफ एट होम।